डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज मैं आपको सिक्सथ क्लास एक्सरसाइज सेवनटीन ए जो कि सेवनटीन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है डाटा हैंडलिंग चैप्टर जो है हमारा इसको आज कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर गिवन बिलो नीचे जो है हमें अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट जो किया जाता है वो हमें गिवन है आइडेंटिफाई प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें प्राइमरी है और कौन सा इसमें सेकेंडरी है प्राइमरी डाटा क्या होता है सेकेंडरी डाटा क्या होता है प्राइमरी वो होता है जो डायरेक्ट हमें सोर्स से मिले ठीक है ऐसा डाटा जो हमें सोर्स से डायरेक्ट हमने लिया है ठीक है एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हमें किसी से पूछना है कि आपकी फेवरेट आ, आ, फेवरेट क्या बोल सकते आप कुछ भी मान लीजिए आपका फेवरेट बुक कौन सी है तो हमने डायरेक्ट उससे पूछ लिया कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है अगर हमें वो कहीं और से पता चले तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डाटा इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं जैसे अगर हम टीवी में न्यूज देखते हैं तो वो जो है वो इनडायरेक्ट डाटा है या सेकेंडरी डाटा है क्यों है क्योंकि टीवी वालों ने पहले सोर्स के पास गए तो वहां से उन्होंने न्यूज इकट्ठा की फिर वो हमें न्यूज जो है वो दिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा तो आपको याद रखना है जो डाटा हमें टीवी से मिलेगा न्यूज से मिलेगा न्यूज़ पेपर से मिलेगा ठीक है बुक्स से मिलेगा इंटरनेट से मिलेगा वो सारा सेकेंडरी डाटा होगा जो हम डायरेक्ट किसी से पूछ लेंगे वो प्राइमरी डाटा होगा तो फर्स्ट है डाटा फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी हैं वो किसी ने लिखी थी किसी टॉपिक के ऊपर तो वो हमने पढ़ी हैं तो हमने डायरेक्ट उससे जाके नहीं पूछा है तो ये होगा सेकेंडरी डाटा फिर नेक्स्ट है द फेवरेट चॉकलेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास तो क्लास के स्टूडेंट से हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उसकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है तो ये होगा प्राइमरी डाटा फिर डाटा फ्रॉम वेबसाइट ऑन इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर कोई भी डाटा होगा वो सेकेंडरी डाटा ही होता है उसके बाद द फेवरेट ऑथर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास कुछ भी स्टूडेंट से पूछना है अपनी क्लास के तो वो डायरेक्ट है तो इसलिए ये प्राइमरी डाटा होगा नेक्स्ट है द डाटा फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट यू कंडक्टेड इन योर साइंस लेबोरेटरी तो साइंस लेबोरेटरी में हमने खुद कंडक्ट किया है एक्सपेरिमेंट तो ये प्राइमरी डाटा होगा डायरेक्ट हमें मिल रहा है न्यूज पेपर से मिलने वाला डाटा सेकेंडरी टीवी चैनल से मिलने वाला डाटा भी सेकेंडरी उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड सेकेंड में है सीमा वांटेड टू फाइंड फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास होू हैव पैट्स एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ पैट्स दे हैव इसका मतलब क्या है कि सीमा जो है वो चाहती है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास हु हैव पैट्स जिनके जिन्होंने जानवर जो है रखे हुए हैं पालतू जानवर जिनको बोलते हैं जैसे डॉग वगैरह रख लेते हैं कैट वगैरह रख लेते हैं तो वो क्या करती है शी फाउंड दैट ट्वेंटी फोर ऑफ हर क्लास मेट्स हैव पैट्स मतलब 24 बच्चों ने जो है घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अब नीचे हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है तो हमें क्या करना है प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल एंड टेलीमार्क तो ये टेबल मैंने इसका जो है जो पैटर्न है वो बना रखा है तो आपने इसी तरह से बनाना है पैटर्न इसके अंदर अब हम फिल करते हैं सबसे पहले तो आपको काउंट करना है जैसे फर्स्ट कैट है तो कैट इसमें कितनी बार है तो कैट है इसमें फ़ोर टाइम्स ठीक है वन टू थ्री और फोर चार बार है इसमें कैट तो इस तरह से आपको इसको काउंट करना है और फिल कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको क्या करना है कैट्स को काउंट करना है अपने मैथ्स में देख के कैट आएंगी फोर तो आपको यहाँ पर मार्क्स कैसे बनाते हैं वन टू थ्री फोर फिफ्थ जो है वो क्रॉस होता है जैसे रैबिट है वो छः बार आएगा तो वन टू थ्री फोर फिफ्थ इस तरह से होगा और सिक्स्थ इस तरह से ठीक है फिर से पाँच 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 इस तरह से चलेंगे नेक्स्ट डॉग जो है वो कितनी बार आया है डॉग आया है सेवन टाइम्स तो यहां पे हम सेवन टाइम्स लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है फिर पैरेट जो है पैरेट है तीन बार तो इसमें हम थ्री लगाएंगे लाइन्स वन टू थ्री फिर पिजन जो है वो है फोर टाइम्स तो ये आ जाएगा वन टू थ्री फोर और लास्ट में हमें टोटल लिख देना है ट्वेंटी फोर ठीक है इस तरह से आपको सेकेंड सम करना है फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड सम थर्ड में है द म्यूजिक ग्रुप ऑफ क्लास सिक्स क्लास सिक्स का म्यूजिक ग्रुप है इस स्कूल का उन्होंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम करना है द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ और सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट को उनको जज करने के लिए बोला गया भाई आप जो है ना इन्होंने जो परफॉर्म किया उनको नंबर दो एक से लेकर पाँच तक एक का मतलब है एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा किया दो का मतलब गुड फिर थ्री का मतलब ऑर्डिनरी फोर का मतलब नॉट गुड फाइव का मतलब वेरी पुअर तो ये हमने जब टेली मार्क्स टेबल बनानी है तो उसमें हमें यही चीज़ें लिखनी है वन टू थ्री लिखने की जरूरत नहीं है एक्सीलेंट है इसके ब्रैकेट में आप बेशक लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेंट वन तो वन कितनी बार आया वो यहाँ पे लिखेंगे और उसका टैली टेलीमार्क सुनाएंगे अब ये जो है रेटिंग्स कितने स्टूडेंट्स की है एटी स्टूडेंट्स की है तो हम जो है यहाँ पे काउंट करेंगे जैसे एक्सीलेंट जो है वो कितनी बार आया है एक्सीलेंट का मतलब क्या है वन तो वन जो है इसमें कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपने इसमें काउंट करना है तो मैं आपको फिल करके दिखाता हूं ये टेबल तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे यहां पे एक्सीलेंट जो है वो जीरो टाइम्स है तो इसकी टेलिंग नहीं बनेगी फिर गुड जो है गुड मतलब टू जो है टू आएगा ट्वेल्व टाइम्स आप काउंट करना उसमें तो इसको हम बनाएंगे टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है इस तरह से फिर जो ऑर्डेनरी है ऑर्डेनरी जो है थ्री तो वो आएगा ट्वेंटी वन टाइम्स ठीक है आप काउंट करके देखना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन 19, ट्वेंटी और ट्वेंटी वन और जो नॉट गुड है नॉट गुड जो है वो है फोर तो चार जो है इसमें थर्टी वन टाइम्स आया हुआ है आप काउंट करना अच्छे से तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन फिर जो वेरी पुअर है फाइव वो आया है सिक्सटीन टाइम्स ठीक है सोलह बार तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन और टोटल जो है इनका एटी है तो इसको टोटल आपने जरूर करके लिखना है तो वो एटी ही बनना चाहिए इसका मतलब हमारी जो फ्रिक्वेंसी टेबल है वो करेक्ट है ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम फोर्थ में है द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास मेजर्ड अप टू एन एक ऑफ होल सेंटीमीटर इज फॉलो मतलब हाइट जो है बच्चों की फोर्टी क्लास के बच्चों की क्लास के फोर्टी बच्चों की हाइट जो है वो माप के सेंटीमीटर्स में यहाँ पर लिखी गई है प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी टेबल तो फ्रिक्वेंसी टेबल के लिए आपने इस तरह का पैटर्न तैयार करना है हाइट टेली और फ्रिक्वेंसी तो हाइट सबसे कम जो है वो आप यहाँ पर नोट करेंगे वन फोर्टी टू है तो वो कितनी बार आई है पहले हमें वो काउंट करना है अगर आप इसमें काउंट करेंगे 142 जो है वो सेवन टाइम्स आया है आपने इसको अच्छे से काउंट कर लेना है तो सेवन टाइम्स जो है 142 आपको मिलेगा तो यहाँ पे भरेंगे हम ऐसे ही इनको सबको काउंट करेंगे तो मैंने इसको काउंट कर लिया है पहले से काउंट करके रखा हुआ है आप भी अपना काउंट करेंगे तो ये आएगा वन जो है वो आएगा सेवन टाइम्स तो आप बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर वन जो है वो आएगा फाइव टाइम्स तो वन टू थ्री फोर फाइव वन फोर्टी फोर जो है वो आएगा टेन टाइम्स तो यहाँ पे हम फिल करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर वन फोर्टी फाइव जो है वो आएगा सेवन टाइम्स तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और जो वन फोर्टी सिक्स है वो छः बार आया हुआ है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जो वन फोर्टी सेवन है वो हमारा लास्ट वाला जो आया हुआ है फाइव टाइम्स तो वन टू थ्री फोर फाइव और टोटल जो है इनका वो है फोर्टी ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हो गया आपका फोर्थ सम फिर आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ में है फॉलोविंग इज द डाटा टेबल डाटा कलेक्टेड सॉरी फ्रॉम फिफ्टी स्टूडेंट ऑफ देयर फेवरेट फ्रूट्स उनके फेवरेट फ्रूट्स पूछे गए कौन कौन से हैं हेयर ए स्टैंड फॉर मैंगो ए का मतलब जो है यहाँ पर मैंगो है बी का मतलब जो है एप्पल है सी का मतलब है ऑरेंज डी का मतलब बनाना और ई e का मतलब ग्रेप्स ठीक है तो आप जो है जब ये टेलीमार्क्स टेबल बनाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं जैसे मैंगो है तो ब्रैकेट में इसके ई e लिख दें ओ सॉरी ई e नहीं ए ए स्टैंड फॉर मैंगो एप्पल है तो एप्पल के ब्रैकेट में बी लिख दें ताकि हमें आसानी रहे इसको छाटने में ठीक है इस तरह से आपने लिख देना है फिर मैंने इनको काउंट कर लिया है आपने भी काउंट कर लेना है अब टाइम मार्क्स टेबल बनाते हैं सबसे पहले तो मैंगो जो है जिसको हमने ए लिखा है तो ए कितनी बार आया है इसमें ए आया है ट्वेल्व टाइम्स तो यहां पे हम लिखेंगे ट्वेल्व और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फिर एप्पल जो है बी जो है वो आया है थर्टीन टाइम्स ठीक है बी आया है थर्टीन टाइम्स तो यह जगह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी ऑरेंज जो है सी वो आया है नाइन टाइम्स नौ बार सी जो है इसको देखने को मिलेगा आपको इसमें तो इसको हम बनाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिर बनाना जो है डी बनाना इसमें आया है टेन टाइम्स तो ये बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है स्टूडेंट्स और ग्रेप्स जो है ग्रेप्स आया है सिक्स टाइम्स तो ये बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे टोटल फिफ्टी ही बनना चाहिए अगर फिफ्टी बनेगा तो ठीक है सिक्स और नाइन फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी कैरी टू वन टू थ्री और टू फाइव बिल्कुल ठीक है हमारा ये नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ के बाद सिक्स जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का इसमें है वेट ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो तीस स्टूडेंट्स का वेट हमें यहाँ पे गिवन है फिर हमें क्या करना है प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी चार्ट वही सेम टेबल जो मैंने यहाँ पे पैटर्न आपको बना के दे दिया है इसको आप जो है बना सकते हैं फिर यहाँ पे हमें ढूंढना है जैसे सबसे छोटा इसमें जो है वो थर्टी नाइन है तो मैंने सबसे पहले थर्टी नाइन लिखा है तो आपने भी थर्टी नाइन को काउंट कर लेना है कितनी बार है तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं मैंने काउंट करके लिख लिया है इसको मैं आपको फिल करके दिखाता हूं सबसे पहले तो थर्टी नाइन जो है वो कितनी बार आया है वो हमें देखना है थर्टी नाइन आया है फोर टाइम्स तो यहां पे हम लिखेंगे फोर यहां पे वन टू थ्री फोर ठीक है फिर जो फोर्टी है वो भी फोर टाइम्स है तो वन टू थ्री फोर फोर्टी वन जो है वो आया है फाइव टाइम्स तो वन टू थ्री फोर फाइव फोटी टू जो है वो आया है सेवन टाइम्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है फिर फोर्टी थ्री जो है फोर्टी थ्री आएगा फाइव टाइम्स तो वन टू थ्री फोर फाइव फोर्टी फोर जो है वो थ्री टाइम्स है ओनली तो वन टू थ्री फोर्टी फाइव जो है वो वन टाइम तो वन और फोर्टी सिक्स भी सिर्फ एक ही बार आया है तो ये भी वन इनका आपने टोटल कर देना है टोटल इनका बनेगा थर्टी ठीक है प्यारे बच्चों तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज सेवन ए को ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जो हमारी वीडियो है वो तुरंत मिल सकें और वीडियो पर कमेंट भी जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद